आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं सही कार्यकर्ता स्मार्ट प्लस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी, चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा व्यवस्थाओं की समीक्षा। राज्य में फिर बड़ा कोरोना का खौफ, खानापुर वासियों ने परप्रांतीय व्यापारियों के खिलाफ की हड़ताल। भाजपा की ओर से संविधान दिवस का आयोजन, विधायक अभय पाटिल ने आनंदवाड़ी निवासियों को राहत दी। तालुका की समस्याओं को हल करने के लिए एमए समिति का बयान। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्ता पूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी, घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभे राहणारे नाव म्हणजेच अणवेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अणवेकर गोल्ड, अणवेकर गोल्ड, 888-43-888-63। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई है, इसलिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने पहले जोरदार प्रचार शुरू कर दिया है। निर्दलित उम्मीदवार भी मैदान में हैं और उनकी लड़ाई जारी है। जिले की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले जारकीवाली बंधुओं की राजनीति कैसे फल फूलेगी, इस पर जिले का ध्यान है। इस बीच चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर एकरूप कौर ने शुक्रवार को चुनाव अधिकारियों की बैठक की और विधान परिषद चुनाव के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी आर वेंकटेश कुमार, पुलिस आयुक्त त्यागराज, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबरगे, जिला पंचायत सीओ एचवी दर्शन सहित अधिकारी मौजूद रहे। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जन प्रतिनिधियों के मतों से किया जाएगा, इसलिए बड़े आर्थिक लेनदेन की बात हो रही है। इसी तरह मैदान में उतरे कुछ उम्मीदवारों को वापस लेने के लिए दबाव की रणनीति का इस्तेमाल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ उम्मीदवारों को वापस लेने के लिए मजबूर करने की बात हो रही है। राज्य में फिर बढ़ा कोरोना का खौफ। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कोरोना की संख्या कम हो रही है, लेकिन कई कई ऐसी खबरें आ रही है कि कोरोना की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए अत्यधिक सतर्कता एक आवश्यकता बन गई है। हाल ही में एक घटना में धारवाड़ के एसटीएम कॉलेज में कोरोना संक्रमित छात्रों की संख्या में और इजाफा हुआ है। गुरुवार रात और छात्रों के स्वाब किए जाने के बाद कोरोना संक्रमित छात्रों की संख्या बढ़कर 182 हो गई है। आयोजन के मामले में एसटीएम कॉलेज के छात्रों को महंगा पड़ा है। कार्यक्रम का आयोजन द्वारा 17 नवंबर को कॉलेज के वीरेंद्र हेगड़े कला क्षेत्र में किया गया था, इसमें कुछ छात्रों के माता पिता भी शामिल हुए। गुरुवार तक 66 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उसके बाद कॉलेज परिसर में 690 छात्रों का आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। इन जांचों की रिपोर्ट देर रात आई, उनके मुताबिक 116 और लोगों में लक्षण पाए गए है। खानापुर वासियों ने परप्रांतीय व्यापारियों के खिलाफ की हड़ताल। बड़े शहरों की तरफ कई छोटे शहर भी परप्रांतीय व्यापारियों से भरे पड़े हैं। इससे स्थानिक व्यापारियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए खानापुर के कारोबारी समुदाय ने मांग की है कि विदेशी व्यापारियों के कारोबार पर पाबंदी लगाई जाए। इस मांग के लिए शुक्रवार को खानापुर शहर और तालुका में सभी स्थानीय व्यापारियों द्वारा बंद का अवलोकन किया गया। विदेशी व्यापारियों और सुपरमार्केट और मॉल को शहर और तालुकों में व्यापार करने से रोकने के लिए एक दिन का सख्त कर्फ्यू मनाया गया। खानापुर में बंद से लेनदेन प्रभावित हुआ। स्टेशन रोड और शहर के मुख्य बाजार रविवार पेट की सभी दुकानें बंद रहीं।
हालांकि स्कूल कॉलेज तथा सरकारी व निजी यूनियन कार्यालय व बसें नियमित चलती रही। भाजपा की ओर से संविधान दिवस का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष ए संजय पाटिल के साथ भाजपा पदाधिकारी पृथ्वी सिंह भी मौजूद रहे, जिसके बारे में बोलते हुए पूर्व ए संजय पाटिल ने भारतीय राज्य संविधान के महत्व पर बात की। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हम सभी को संविधान सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस बार घटना की रक्षा के लिए निष्ठा की शपथ ली गई। साथ ही भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि की पूजा कर संविधान दिवस मनाया गया। इस समय मंगल आंगड़ी जी, महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, अधिवक्ता रमेश देशपांडे, प्रिया कुर्ची, उज्ज्वला बड़वाना सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। विधायक अभय पाटिल ने आनंदवाड़ी निवासियों को राहत दी। आनंदवाड़ी के निवासियों को बताया गया कि वक्फ बोर्ड ने उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया था। यहाँ के रहीवासियों में चिंता व्यक्त की जा रही थी, इसका शहरवासियों ने भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने आदेश के खिलाफ कोर्ट में दौड़ने की चेतावनी भी दी। इस संबंध में बेलगाम दक्षिण के विधायक डॉक्टर अभय पाटिल ने यहाँ के निवासियों के पीछे खड़े होने की गवाही दी है। इस संबंध में दो दिन पूर्व अभय पाटिल ने क्षेत्र के मुख्य पंचों की बैठक बुलाई थी। वक्फ कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोर्ट में दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इससे रहीवासियों को राहत मिली है। आनंदवाड़ी के नागरिक अगर अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए सही वकील को भुगतान करके अदालती लड़ाई की पूरी कीमत हम चुकाएंगे, ऐसे अभय पाटिल ने घोषणा की। हम यहाँ रहवासियों के पीछे खड़े हैं और उन्हें किसी भी तरह से बेघर नहीं होना पड़ेगा, ऐसा अभय पाटिल ने कहा है। तालुका की समस्याओं को हल करने के लिए एमए समिति का बयान। बेलगाम तालुका के निवासियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए, ऐसी मांग एमए समिति की ओर से की गई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश ने तालुका में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका झटका किसानों पर पड़ा है, इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ प्रशासन किसानों को कई तरह से शोषण कर रहा है, वही दूसरी ओर हम एक आपात स्थिति का भी सामना कर रहे हैं। इसके चलते किसान संकट में है, इसलिए बेलगाम तालुका अधिक वर्षा का शिकार हो गया है। सरकार से मांग की गई है कि इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए किसानों का तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए। इस मांग का बयान एमए समिति के अधिकारी अध्यक्ष एक पूर्व विधायक है मनोहर कानेकर और अन्य नेता ग्रामीण क्षेत्रों से बस सेवा फिलहाल ही बाधित है, इसमें सुधार की मांग की गई थी। इस अवसर पर पूर्व महापौर शिवाजी सुनतकर, मनोज पावसे, सुनील अष्टेकर, लक्ष्मण होनगेकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। साथ ही एमए युवा समिति के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटका, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaon. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaum vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue hamara staff deta hai behtareen service ka vishwas. यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहाँ हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243-5777। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
चर में होटल के कमरे विधानसभा के लिए आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जाए। अधिक से अधिक कमरों का नाम जिला प्रशासन के नाम पर रखा जाए। संचालन सुरेश इतनाल ने किया। शुक्रवार को नगर निगम हॉल में होटल व लॉज मालिकों की बैठक हुई। डॉक्टर इटाल ने कहा कि बेलगाम में अधिवेशन के लिए आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश काली ने कहा कि पिछली बार 2000 रुपए प्रतिदिन तक के किराए पर 25% और प्रतिदिन 3000 रुपए से अधिक के किराए पर 30% की छूट दी गई थी। होटल संचालकों के राज्याभिषेक के कारण पिछले 2 वर्षों से होटल व्यवसाय संकट में है, इसलिए उन्होंने इस समय कमरे देते समय मांग की कि कीमत बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय दमगोल, पशुपालन अधिकारी बागलकोट जिला सांख्यिकी विभाग सतीश नाथगौंडा उपस्थित थे। कोगनोली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना अस्वच्छता का डिपो। पिछले 2 साल से भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है। इससे निपटने के लिए सबसे पहले देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने की जरूरत है। कोगनोली के प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र की अवस्था बहुत ही जर्जर हो चुकी है और कई दिनों से स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं होने के कारण वहाँ शराब पीने और पेशाब करने के मामले हैं। इस मामले की भनक लगते ही अरिहंत दल ने यहाँ से इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को साफ कर नजदीक क्षेत्रों को साफ कर 26 को मामली मरम्मत कार्रवाई है। इस अवसर पर प्रवीण पाटिल, कल्पा मंगवे, सचिन परित, जीपी सदस्य सुजीत माने, कुमार मंगवे, संतोष पाटिल, नीलेश मकतुम, विजय जाधव, बालासु वडर, प्रकाश पासरे आदि उपस्थित थे। हलगा मच्चे बाईपास के संबंध में स्थगन आदेश कायम। अदालत ने गुरुवार को हलगा मच्चे बाईपास पर हुई सुनवाई में स्थगन आदेश को बरकरार रखा। इसमें किसानों को राहत मिली है। हलगा मच्चे बाईपास रोड निलंबित किए जाने के खिलाफ किसानों ने गुरुवार को 34 सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर किसान नेता नारायण सावंत, राजू मारवे, रमाकांत बालकुंद्री आदि सहित कई किसान मौजूद थे। हाईकोर्ट ने किसानों को 0 फाइन तय करने के लिए दीवानी अदालत जाने का निर्देश दिया था। उनके मुताबिक भले ही किसानों ने याचिका दायर की थी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलिस बल का उपयोग करके बाईपास का काम शुरू कर दिया था। इसके लिए किसानों ने सड़क निर्माण का पुरजोर विरोध कर आंदोलन शुरू कर दिया है और आज उन्होंने कोर्ट में आपत्ति याचिका दायर की है। आज की कोर्ट में सुनवाई के दौरान डॉक्टर भावे ने किसानों का जोरदार बचाव किया। कोर्ट ने 1 दिसंबर 2021 तक स्थगन आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर फैसला लिया जाएगा। मंगल कुंभार हुई सफल उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित। करतगा तालुका निपानी की महिला उद्यमी मंगल भाऊसाहेब कुंभार को इचलकरंजी के श्रावस्ती बहुउद्देशीय सेवा संगठन के सफल महिला उद्योगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रूपालीताई चाकणकर, पूर्व सांसद निवेदिता माने और भक्ति शिंदे द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। पिछले कई वर्षों से मंगल कुंभार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मामलों के क्षेत्र में अग्रणी रही है और उन्होंने कई स्तरों पर अच्छा काम किया है। इसने घरेलू उद्योगों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार प्रदान किया है। इचलकरंजी के श्रावस्ती बहुउद्देशीय संगठन ने उनके काम को पहचानते हुए उन्हें आदर्श महिला उद्योगी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोरोना योद्धाओं को सेवा में कायम रखने की मांग। कोरोना के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य विभाग ने कुछ युवक युवतियों को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा है, उन्हें मानदेय देने का भी निर्णय लिया गया। हालांकि कोरोना के बाद इन कर्मचारियों को सेवा में शामिल करने की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है। ऐसे में इन कर्मचारियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इन कर्मचारियों को सेवा में लगाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। बयान में कहा गया है, इन कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा के मूल्य की सराहना की जानी चाहिए। इन कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, इस गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन इसकी अनदेखी की गई है। इसके लिए कर्मचारियों ने एक बयान में मांग की है कि सेवाभावी इन कर्मचारियों को एक बार फिर से सेवा में जगह दी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आरएल कानून महाविद्यालय के संविधान दिवस का आयोजन। यहाँ से आरएल लॉ कॉलेज में भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को भारतीय संविधान का महत्व समझाया गया। प्राचार्य डॉक्टर ए.एच. हवालदार ने छात्रों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों और कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ प्राध्यापकों ने भी भाग लिया। विश्व शतरंज फाइटिंग चैंपियनशिप।
क्या जगत जाता कार्लसन की जीत नेपोमनी को रोक देगी? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और रूस के ग्रैंड मास्टर इयान नेपोमनिशी के बीच विश्व चैंपियनशिप शतरंज मैच की पहली पारी शुक्रवार को खेली जाएगी। पिछले विश्व कप को 1090 दिन बीत चुके हैं और शतरंज का प्रसार पूरी दुनिया में बढ़ गया है। कोरोना तालाबंदी के मैनेजर कई लोगों ने घर पर ऑनलाइन शतरंज खेलने का विकल्प चुना है। नतीजतन शतरंज का ऐतिहासिक खेल लोकप्रियता में बढ़ गया है और कार्लसन और नेपोमनिशी के बीच सबसे अच्छी 14 पारी की लड़ाई को प्रमुखता मिली है। विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट मुंबई की अगुवाई शम्स मुलानी करेगी। ऑलराउंडर शम्स मुलानी को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मुंबई की 20 सदस्य टीम का कप्तान बनाया गया है। एक दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट 8 दिसंबर से तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा और मुंबई एलिट ग्रुप में शामिल किया गया है। मुलानी ने वरिष्ठ खिलाड़ियों को उपस्थिति में ओमाना का दौरा करने वाली मुंबई टीम की कप्तानी भी की। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यास्वी जायसवाल, अरमान जाफर, संकट मोचक सिद्धेश लाड, ऑलराउंडर शिवम दुबे को मुंबई टीम में शामिल किया गया है। अनुभवी धवल कुलकर्णी गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। जूनियर हॉकी विश्व कप भारत ने कनाडा को 13-1 से हराया। उपकप्तान संजय की दूसरी हैट्रिक के बाद अरिजीत सिंह हंडाल ने 3 गोल की बढ़ाई मनाई। ग्रुप बी में गुरुवार को कनाडा को 13-1 से शिकस्त दी। फ्रांस ने बुधवार को गत चैंपियन भारत को 5-4 से हराया, इसलिए टूर्नामेंट की चुनौती को बरकरार रखने के लिए भारत को कनाडा पर बड़ी जीत की दरकरार थी। फ्रांस ने दूसरे मैच के पोलैंड को 7-1 से हराकर लगातार 2 जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश किया। अब भारत को शनिवार को पोलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीत हासिल करनी है। बुलेटिन के समाचार यहाँ समाप्त है। धन्यवाद।